सो दिल की तो सीजन 3 में मैं बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही हूं। नो फक्स गिवन। नहीं जा सकती, माइक पे ना, मैं माइक पे ना, बैठ जा, बैठ जा। डायरेक्टर के ऊपर अंडा गिर गया तो मतलब 2 घंटे शूटिंग, डायरेक्टर कैसे निकला, साथ में नीचे से 4-5 कुत्ते निकल आए। तो अब तू 42 टेक लेगी एक शॉट के लिए, तो मैं और क्या करूंगा। या सो यू ही इज गॉन, लाइक ही इज लुकिंग वेरी वेरी हॉट है ना। एक बार और बैल्कनी में खड़े होकर चीख चीख के बोली थी, ओए स्टार जी जल्दी भेजो, कौन करता है ये सब। स्टिल टेक केयर ऑफ मी। बेसिकली ऐसा हुआ था कि जब सारी पार्टी खत्म हो गई सुन तो जॉब गई थी। Karan and Yogita starrer Dil Hi To Hai season 3 is all set to stream on Old Balaji, and we recently interacted with them and asked them about the new season and also busted their co-star secrets. Before we get started, make sure you subscribe and hit the bell icon for further updates. Tell us about what's going to be different in season 3. Wow. Characters to wahi hain, sare same hain, but bahut evolve ho chuke hain. द बेस्ट पार्ट अबाउट सीजन 3 इज़ कि दिल्ली तो है फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन की जो आपने जो सब कुछ देखा है वो हमें दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सो वी फ्रॉम द फर्स्ट सीन इटसेल्फ ऑफ सीजन 3 हम लोग इमोशंस में कूद चुके हैं, हम लोग स्टोरी में कूद चुके हैं, सब कुछ एस्टैब्लिश हो चुका है। यू नो जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं दिल्ली तो है में, दे आर ऑल लव्ड ऑलरेडी, दे ऑल हैव देयर बैगेजेस, और वो सब ऑडियंस को पता है। सो वो हमारा एक बेनिफिट था सीज़न 3 का। आप देखोगे जब सीज़न 3 आप देखोगे कि बहुत कुछ चेंज हो गया है, स्टाइल ऑफ शूटिंग चेंज हो गया है, हम सब अलग दिख रहे हैं, एवरीथिंग हैज़ बीन अपग्रेडेड एज सच, बट दैट इज़ थैंक्स टू यू गाइस, बिकॉज आपने सीज़न 2 को इतना बड़ा यू नो हिट किया दैट वी हैड टू कम बैक फॉर सीज़न 3। इट्स एक्चुअली वेरी इंटेंस। इट्स वेरी इंटेंस। टॉकिंग अबाउट द लुक्स, हाउ डिफरेंट इज दैट गोइंग टू बी? आई एम वेयरिंग अ सारी गाइस, साइड प्रोफाइल फ्रंट, ये वाला मतलब सबके 4-4, 5-5, 10-10 किलो कम हो गए। आई थिंक जब आप सीजन 3 का पहला एपिसोड देखोगे दिल्ली तो हैगा, तो आपको एक फ्लैशबैक दिखाई देगा। उसके बाद जब आप हमारा सीजन देखोगे 3, तो आपको रियलाइज होगा कि ये कौन है। सो आई थिंक फॉर 3 मिनट्स वी हैव अ प्रीकैप ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड सीजन, एंड देन यू सी it's so actually everybody is looking so good. Yeah. Everybody is looking so nice. A lot he has of lost a lot of weight. He has long hair. I am wearing a sari. I'm wearing bindi and I look like a bahu now. Bahu. Yeah. But yeah, wo but yeah, a lot of detailing has gone into this season. A lot of detailing has gone into this season. Bahut hi preparation ki gayi hai. We've had almost 8 to 10 months of you know prepping and about 4 months of pre-production. सेट अवेलेबल नहीं था, सेट किसी और शो के पास चला गया था, उस शो को हटा के कहीं और भेजा गया, फिर हमें वापस शो में हमारे सेट पे एंट्री मिली। सो यू नो इट्स वन ऑफ द डार्लिंग शोज़ फॉर बालाजी, एंड यू नो जब ऐसा कुछ शो होता है तो उसको बहुत यू नो दिस अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑल्सो, नॉट जस्ट ऑन द एक्टर्स बट द डायरेक्टर, द क्रिएटिव्स, द राइटर्स, एवरीबडी। बट आई थिंक शूट के 10-15 दिन के अंदर अंदर हमें पता चल गया था कि ये सीज़न काफ़ी अलग होने वाला है। Made from love. Tell us about the shirtless video and preparations that has gone into this look. Recently, मैंने आशिमा को दिखा दी थी, आशिमा इसलिए नहीं दिखाई थी कि तुम्हे को उसी के बारे में पूछे। Okay. But, so for that shot, okay, this guy has come out of coma, right? मैं कोमा से बाहर हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। He doesn't want to go to a physio session with me. But he comes out of his shower and then he wants like yeah. So he's gone like he's looking very very hot. Na ek baar aur. You know the whole unit was there. The whole, this is a room. This is Ritwik's room. And वहाँ पे around 50 लोग हैं. For what? इतना तो कोई और scene में भी लोग नहीं होते जितना. Thank you. हाँ बोल अच्छा लग रहा है मेरे को अच्छा. बोल ये सब होता है पता है आपके लिए, प्लान होता है मुझे लग रहा है क्या ये सब। हाँ तो पूरा यूनिट वहाँ पे है, बट आशा अच्छी लगी तेरे को वीडियो बस। एक्चुअली वो मेहनत किसी और शो के लिए थी, पर सारा बेनिफिट जो है उसका दिल्ली तो है को मिल गया। दिल्ली तो है को मिल गया, पर बहुत मेहनत है, बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल है। बट आई थिंक सबका, इवन जब मैं योगिता को मिला आफ्टर गैप ऑफ अ कपल ऑफ मंथ्स, लाइक
ये मतलब पहले दो योग्यता थी, अभी एक अकेली हो गई है. सो आई थिंक या इट्स अ स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल. या बिकॉज़ सीजन 1 एंड सीजन 2 वी हैव जस्ट यूज्ड टू ईट ऑन दिस थिंग. वो अभी भी कर रहे हैं बट थोड़ा सेंसिबल हो गए. थोड़ा सेंसिबल हो गए लाइक कभी कभी. बट वी यूज्ड टू ईट बटर चिकन एवरी डे. या एवरी डे आएगा ना मोटे होंगे ना हटे कटे फलक और ऋत्विक एकदम चिजल्ड फलक और ऋत्विक. अभी अभी हमारे सेट पे जॉलाइन कॉम्पिटिशन होते हैं किसकी जॉलाइन ज़्यादा शार्प है और वेलक्रो मैं और ये मैं ये दोनों हम दोनों रोलर्स. ही हैज मोर रोलर्स ऑन हिज हेयर देन मी. मैं रोलर नहीं लगाती हूँ, ये लगाते हैं. सारा बजट इनके रोलर्स पे जा रहा है. प्रेशर बहुत है, क्या करें, दिल्ली तो है. Your first impression of each other? जब पहले first time मिले थे, oh my god, बहुत ही cute सी छोटी सी you know kiddish type की लड़की थी. But so me and Muzammil, who was the director for the first season, we worked for a long time. हमने बहुत सारे shows एक साथ किए and he's one of the sweetest directors. तो I was very glad कि योगिता की जो schooling है वो Muzammil के साथ हो रही है because यू नो जैसे मेरी स्कूलिंग अनिलवी कुमार के साथ हुई थी और यू नो कृतिका थी और एक अलग सेटअप था. तो मैं सबसे न्यू मैं ही था उस सेट पे. इस सेट पे ये थी. तो आई वाज वेरी ग्लैड कि ये यू नो जो इसकी बेसिक्स हैं और जो यू नो जो इसकी यू नो जो आई मीन जो आप हम जो इंस्टिल करेंगे इसके अंदर वो यू नो वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा. एंड दैट्स प्रूव्ड यू नो शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ वेरी इनसिंसियर. सो दैट वर्क फॉर मी. I found him very sadhu, very, you know, into himself and just like, you know, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं. अब तू बता ले स्टेक लेगी एक शॉट के लिए तो मैं और क्या करूँगा. नहीं जा सकती, माइक पर ना, माइक पर ना, बैठ जा, बैठ जा. नो एक्चुअली मैं ऐसा दिखता हूँ और बहुत लोगों को ऐसा लगता है बट अब उल्टा है, अब हम योग्यता से डरते हैं. First scene you shot together? Season 1 का पहला सीन ऑफिस सीन था जिसमें कि इसको मुझे आके बहुत सारी गालियाँ देनी है, बहुत कुछ सुनाना है और मैडम हमारी बेचारी. यार एक सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइफ में किसी से बात नहीं करती. लाइक आई वुड नॉट शाउट एट समवन एंड से दैट यू आर दिस, यू आर दैट एंड दिस एंड दिस. एंड ऑल्सो इट वॉज माई फर्स्ट शो. आई कांट जस्ट like I need some time and I did not know how to, because when I was working to be an actor my scripts were given to me 15 days before and yahan pe I was just getting a script in the morning and I was like half an hour baad mujhe scene perform karna hai. I had to shout at him. I was already like, you know, for me he was still Karan. I did not know how to like make him Ritvik and make me Palak. So that took me some time. Sometimes, but these guys are really nice. They support me. But yeah, it was very difficult. How can you just call someone male chauvinist and you know, I know you, बहुत कुछ था यार. Like शायद मैं आज किसी को सुना सकती हूँ ऐसे. But and then you, he's like, I respect him in life. I respect him and suddenly the first day I'm shooting with him. The first day I'm shooting with him, I'm shouting at him. It's very difficult. It was very difficult. One compliment you want to give your co-star, which you haven't told them till now. Ande. First compliment. Hats off to your style. Commitment. Achha. And itna kuch dalte ho jo aap apne kaam mein. Haan. Matlab he's very smart. मुझे बहुत फैसिनेट करता है. That's nice. ये तो इंटरव्यू मेरे को चाहिए होगा. इसको बार बार प्ले करना पड़ेगा मुझे. योगिता, आई थिंक योगिता के बारे में I can't have just one compliment apart from the, you know, the regular that she's very pretty and she's very cute and she's one of the most cutest persons that I have met. But and this I've said it from the first day that I met Yogita, it's her energy. बहुत सारे लोगों की बहुत अलग अलग energies होती हैं.
योगिता की एनर्जी मुझे बहुत 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 पसंद है एंड इट्स नॉट नॉट एवरी गर्ल इज लाइक यू नो लाइक हर एंड दैट एनर्जी कम्स इनटू हर वर्क कम्स इनटू हर रिलेशनशिप्स कम्स इनटू एवरीथिंग एंड नाउ शी इज बिकम यू नो द लव ऑफ एवरीबडी ऑन सेट मतलब शी इज द मोस्ट केयर्ड आफ्टर पर्सन एंड दैट कम्स वेरी यू नो ऑर्गेनिकली एंड अदर देन दैट शी इज अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती है वो उसको मालूम है कि क्या चाहिए लाइफ में बहुत ही सॉर्टेड है मैच्योरिटी दैट वे कुछ चीज़ों में बहुत मैच्योर है बट जो इम्पोर्टेंट हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है एक इंसान में हाँ हर इंसान करण कुंद्रा नहीं होता ना इसलिए इफ यू हैड टू लर्न वन थिंग फ्रॉम योर को-स्टार व्हाट विल इट बी ये कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता हर कोई करण कुंद्रा या राजमा चावल नहीं हो सकता I've learned a lot of things from Yogita. मैं अभी थोड़ी देर पहले भी यही बोल रहा था कि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है लाइफ में बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं यू नो आपकी डे टू डे वर्किंग में बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं जिसको आपको रुक के सोचना चाहिए उसके बारे में वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं योगिता से यू नो सुनता रहता हूँ और मैं यू नो अब्जॉर्ब करता रहता हूँ एंड आई जस्ट लव द वे शी लीड्स हर लाइफ एंड इट्स क्वाइट नाइस आई थिंक वो लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा है डेडिकेशन इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड एंड आई कैन एक्चुअली इम्प्लाई दैट कि कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें दो अपना वरना मत करो ना पॉइंट ये कि वो मेरा है वो इनका नहीं है वो मेरा है बट जितना डेडिकेशन ये देते हैं किसी चीज़ को करने में इट्स लाइक आई डिड नॉट नो अगर मैं इनके साथ काम नहीं करती तो शायद मैं वो चीज़ें देख ही नहीं पाती वो कि ये पर्सपेक्टिव भी होता है आपको हर तरीके से सोचनी पड़ती है एंड ही मैनेजेस पीपल रियली वेल लाइक लोगों को डील करना मुझे सीखना है यार मुझे सीखना है वो इज सो गुड एट इट हु इज बैड एट रिमेंबरिंग लाइंस सॉरी हु इज बैड एट रिमेंबरिंग लाइंस I think I'm quite bad at remembering lines because my lines remember nahi karta main apna hi kuch karta hu and that works clearly third season What's your co-star most likely to get in the lunch box lots of things no lunch I eat his lunch also his diet before so I'm eating who takes maximum retakes but ab nahi leti but ha but if we have to compare see again dili to hai season 3 tak aate aate you know we've been given the space to be ourselves and that's how our characters grow यू नो हम इम्प्रोवाइज़ करते हैं हम कुछ चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं तो वो हमारे यहाँ में अलाउड है एंड दैट वॉज वन थिंग दैट वॉज गिवन टू अस बाय एकता मैम इन द फर्स्ट सीजन इटसेल्फ सो उसमें क्या होता है ना फिर वो रीटेक्स वाला होता ही नहीं बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली गिविंग टेक्स एंड रिमेंबरिंग लाइन यू आर जस्ट बींग योर सेल्फ इवन आर डायरेक्टर्स जो भी सीजन 1 से लेके अभी तक जैसे अभी नाउ वी हैव जीतू अरोरा ही इज वेरी वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड वो हमें आके ये नहीं बोलते कि इस टाइम पे ये करना वो आके बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे है और मुझे लगता है ये और बाकी तो तुम्हें बताइए सो वी हैव then you know there would be a discussion about it not like unhone bola humne kar liya so we all actually work together and listen to each other and sometimes there are things that I have never done and he would just you know he would come and I would come to them and just like help me I don't know what to do like how to go about it and he would help me my director would help me and sometimes he's like go and do whatever you want so that vibe is really great yeah Who ends up laughing in the middle of a serious scene? In the middle of anything. और जोर से मुंह खोल के गिर के मतलब कि डायरेक्टर के ऊपर अंडा गिर गया तो मतलब दो घंटे शूटिंग. Don't make me remember that day. Oh God, listen, guys. अब डायरेक्टर कहीं से निकला साथ में नीचे से चार पांच कुत्ते निकल आए तो. तो शूटिंग नहीं हो सकती उसके बाद क्योंकि योगिता हंस रही है आधा पौना घंटा हो गया योगिता हंसी जा रही है तो क्या हो गया डायरेक्टर चल के आ रहा था डायरेक्टर ने छोटी सी छठी सी चड्डी पहनी हुई थी तो उसके नीचे से कुत्ते निकल आए क्या फर्क पड़ता है यार
तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? अब अगर बैठा हुआ डायरेक्टर, इतना क्यूट डायरेक्टर है, ऊपर से कबूतर का अंडा गिर गया उसके ऊपर, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? एवरी सीन वी हैड डन इट four times and before दिलीप के सेट पे ऐसा था, जो भी चौड़ कर रहा होता है ना उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे भी अबू बहुत बॉडी वॉडी दिखा रहा होता है, वो चलते चलते गिर जाता है, तो वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए. We were at the cliff and for half an hour I was laughing, like I was like sitting on the floor and I was doing this because I couldn't stop my laugh. I just couldn't because people are funny around me. They are funny. How can I help it? Yeah, people try to be serious around her, but nah. Who's always late on the shoot? You. आज लिसन यू नो दिस इज नॉट शूट. अच्छा मतलब तुम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है बाय द वे. दिस इज नॉट शूट. कोई वैल्यू नहीं है इसने मतलब मुंह पे बोल दिया. ये यहां से 2 मिनट दूर रहते, मेरा घर दूर है यहां से. लेकिन मैं 2 मिनट दूर से नहीं आया, मैं वर्कआउट करके आया हूं. अच्छा सीजन 1 सीजन 2 मैं सीजन 3 बेचारे ये भी सही है, बट अभी मैं बहुत मैंने अपनी लाइफ जो है ना कंप्लीटली टर्न अराउंड कर दी है. यू कम एट 10:30, आई कम एट फॉर अ 7 एएम शिफ्ट. आई एम नॉट लेट. मैंने कब बोला यू आर लेट? Yeah. बस तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है. ऐसा कुछ नहीं गाइस, आई लव यू. Who keeps munching on set all the time? Everything. अभी 2 मिनट ये इंटरव्यू मैं यहाँ माइक लगाए बैठा था, अंदर बटर चिकन खा रही थी. यू कैन एक्चुअली टेक द कैमरा एंड सी इट. और इसने कुछ तंदूरी मोमोज मंगवाए सरदार जी से सामने से, और ये बाहर बैल्कनी में खड़े होकर चीख चीख के बोल रही थी, ओए सरदार जी जल्दी भेजो. कौन करता है ये सब? You were just doing it. No, but I was doing it, but you can't say it. अच्छा, I'm not supposed to say this. हाँ, यही सामने बाल के लिए थी. ऐसे खड़े हुए कौन चीखता है? अरे सरदार जी जल्दी ला. सरदार जी वो होटल का नाम है यार. अंदर एक्चुअली सरदार जी खड़े होकर नहीं बना रहे हैं तंदूरी मोमो. और सरदार जी से तंदूरी मोमो कौन ऑर्डर करता है यार? यार पर अच्छे हैं, मैंने खाया अभी. हाँ ठीक है. Who requires maximum touch-ups? Him now because of his long hair. Yeah. Who sleeps often on the sets? मैं कहीं भी सो सकती हूँ. मैं किसी की भी लैप ऐसा करती हूँ. अभी हम फिल्म सिटी में शूट कर रहे हैं, 5:30 बजे हुए हैं सुबह के, और मैडम ने डिसाइड किया कि मैं सोंगी और चेयर एक ही थी, तो मैडम मेरे लैप पे सो गई हैं. सोती ही नहीं, मतलब 1.5 घंटा हो गया है, मेरा पैर वैर सब सो गया है, लेकिन मैडम आराम से उठी है. फिर हाँ शूट नहीं कर रहे हैं? कहाँ नहीं हो रही, क्योंकि मैडम अब सोई हुई थी. तो हाँ मतलब योगिता इज दैट, कहीं भी उसको दे दो वो सो जाएगी. शेयर एन एम्बैरेसिंग मेमोरी विद योर को-स्टार. एम्बैरेसिंग मेमोरी नहीं, हमारे लिए कुछ एम्बैरेसिंग नहीं होता है. हम दोनों इतने बेशरम हो चुके हैं कि हमें हंसी आती है एक दूसरे पे. हम जितना जितना एम्बैरेसिंग होता है उतना हमें अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ शेयर करने में. जैसे कि अभी हाँ, जैसे कि उन्होंने भी मुझे एम्बैरेस किया, बट ठीक है. आई डोंट थिंक वी एम्बैरेस ईच अदर. आई थिंक वी आर वेरी दिस थिंग, हम लोग बहुत दैट वे We can laugh at each other. कभी मेरे को मेरी खुद की कोई बेइज्जती होती है, मैं आगे इसको बताता हूँ कि कैसे हुआ. और जितना embarrassing होता है वो पता है कि हम इस आदमी को बता सकते हैं, यही हंसेगा, इसको ही समझ आएगा. Is your co-star a party person? दीन सीजन से सब रूप देख लिए एक दूसरे के. तो मैं बताऊँ embarrassing story की? नहीं, हम embarrassing story से आप नहीं बता सकते. She is definitely not a drinking sort of a person. बस इसके आगे मैं आपको क्या बताऊँ. कभी मैं पॉलमी वगैरह हम से एक साथ होंगे तो हम बताएंगे कि क्या हुआ था. बट आई एम केयरलेस विद दीस गाइस, दे नो मी, दे विल टेक केयर ऑफ मी. बेसिकली ऐसा हुआ था कि जब सारी पार्टी खत्म हो गई तो मैंने जॉब की थी. लास्टली मैसेज फॉर द फैंस. दिल ही तो है सीजन 3. आई थिंक इट्स रियली क्लोज टू मी एज अ एज I say this because मैंने season 1 भी किया, season 2 भी किया, but season 3 में I think as an actor, as Palak, I felt really more. It's very intense. And my sister called me yesterday and she said she cried when she saw the second episode. Though she know I'm her sister, I think it's not just that. हम लोगों ने बहुत दिल से, बहुत ज़्यादा दिल से season 3 किया, because आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया सीज़न 2 तक, तो हमें लगा कि हम भी उतना ही एफर्ट और उतना ही प्यार और उतनी मेहनत अपने काम में डालना चाहिए, और हमने वो किया है. सीज़न 3 इज़ ग्रेट बिकॉज हमारी केमिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग है इसमें. हम तीसरे सीजन से आए हैं और आज तो ये जो कैडबरी लग रही है. बट बहुत बहुत प्यार है, बहुत फन है इस सीज़न 3 में, और आपको बहुत मज़ा आया. सेम डिटो. लड़की सीख गई है. अब मैं यही बोलूँगा यार, पैसे के घूर के क्या देख रही है? लाइक बोल
आई थिंक योगिता ने सब कुछ बोल दिया है. आई थिंक ग्राफ्स जो हैं पलक और ऋत्विक के एज कैरेक्टर्स, वो बहुत यू नो दे बीन एम्बॉडीड विद अ लॉट ऑफ इमोशन इन दिस सीजन. बहुत ही ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं, पर बहुत ही गिविंग कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही यू नो रियल लाइफ बट अ वेरी बालाजी रियल लाइफ, यू नो. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस. आई लव दिस सीजन. आई थिंक इट्स ग्रेट. जस्ट लव. एंड द थिंग, the banter that we had in season 1 that people really like, that's back. Mm-hmm. And the romance is back. Romance to matlab humne jo phate chakke wo full feeling romance kar rahe hain. Hey guys, check out our revamp website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. Hi, this is Karan Kundra. Hi, this is Yogita Bihani. And you are watching us on India Forums. We hope that you guys enjoyed this chat with them. If you did, do comment and tell us. Ashima Chavra, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.